तो दोस्तों स्वागत है आपका प्रजापति फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में, जहां हम आपके लिए दुनिया भर में रिकॉर्ड की गई कुछ ऐसी हैरतअंगेज चीजें लाते हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएं। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पिता से मिलवाएंगे जिसने अपनी बेटी को छोटे कपड़े पहनने से रोकने के लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया निकाला। उसके साथ साथ हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो ओला राइड तो कर चुकी थी लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, और फिर जो बवाल हुआ अब खुद ही देख लीजिए। आप मुझे मेरे पैसे पे कर दीजिए, मैंने आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। इन सब के अलावा भी वीडियो में आपको हैरान करने के लिए बहुत कुछ है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। अब आप आजकल के बच्चों का हाल तो जानते ही है, वो कभी किसी की सुनते नहीं है। ऐसे में जब बच्चे अपनी हदें पार करके अपनी मनमानी करने लग जाते हैं तो माँ बाप को उन्ही के तरीके से उन्हें समझाना पड़ता है। और यहाँ भी ये जनाब कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बड़े मजे से लड़कियों के शॉर्ट्स पहनकर अपनी बेटी के सामने पहुंच गए और उससे बोला तुम भी अपने शॉर्ट्स पहनो। जब बेटी ने उसे पहना तो बेटी कहने लगी ये इतने भी छोटे नहीं है, तो पिता ने कहा हाँ मेरे भी, जिसे सुनकर सभी हंसने लगे और इस लड़की को एहसास हो गया कि बाप बाप होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। दोस्तों होशियार होना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियारी कई बार महंगी भी पड़ जाती है। और यहाँ हमें यही देखने को मिला जब ये टकला आदमी नाई की दुकान में बैठकर अपने सिर पर सैनिटाइजर छिड़क रहा था, तो नाई के मना करने के बावजूद ये जनाब नहीं माने और लगातार सिर पर सैनिटाइजर छिड़कते रहे, जिसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। तो देखा आपने कैसे इन्होंने सिर पर सैनिटाइजर लगाने के चक्कर में आग लगा ली, और फिर बाद में उसी नाई ने इन्हें बचाया जो इन्हें सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से रोक रहा था। दोस्तों आज हम सभी को पता है कि मेडिकल साइंस में हुए एडवांसमेंट की वजह से हम किसी एक इंसान का दिल दूसरे इंसान में डाल सकते हैं। जैसे कि जब रोब नाम का 30 वर्षीय पुरुष एक्सीडेंट में मारा गया, तो उसी टाइम एलिजाबेथ नाम की एक महिला हार्ट फेलियर से जूझ रही थी, जिसे तुरंत ही दूसरे दिल की जरूरत थी वरना वो मर जाती। ऐसे में रोब के माता पिता से उनके बेटे के हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कही गई, जिसके लिए वो लोग राजी हो गए और रोब का दिल एलिजाबेथ को दे दिया गया। ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के बाद जब एलिजाबेथ ठीक हुई तो उन्होंने फैसला किया कि ये इन्हें जिंदगी देने वाले शख्स के परिवार वालों से मिलेंगे। इसके बाद एलिजाबेथ और रोब के माता पिता की मीटिंग फिक्स कराई गई, जिस मीटिंग में ये सभी रोने लगे क्योंकि एलिजाबेथ बार बार कह रही थी कि आज मैं अगर जिंदा हूँ तो आपके बेटे की वजह से। और रोब के माता पिता ये कह रहे थे कि हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे बेटे को अपने शरीर में जिंदा रखा। जिसके बाद एलिजाबेथ ने कहा कि आप अपने बेटे के दिल की धड़कनों को सुनना चाहते हैं, और फिर एलिजाबेथ ने रोब के दिलों की धड़कनों को सुनाया, जिसे सुनकर सभी भावुक हो गए और ये लम्हा वाकई में दिल को छू जाने वाला था। दोस्तों शादी ब्याह में लोग कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब शादी में बज रहे डीजे में देवर अपनी भाभी को ले जाकर स्टेज पर नाचने लगा, लेकिन रायता तो तब फैला जब स्टेज पर भाभी को ले जाते समय इन्होंने सामने खड़े शख्स को जोरदार धक्का दे दिया। अब इतनी तेज धक्का पड़ने पर यह बंदा भी कहां चुप रहने वाला था, इन्होंने भी धक्का मारने वाले व्यक्ति को उठाया और नीचे पटक दिया, और फिर इन दोनों के बीच जो हाथापाई हुई क्या बताए। कहां वो बेचारा अपनी भाभी के साथ नाचने की सोच रहा था, कहां उसकी धुलाई हो गई। इसलिए कहते हैं कभी भी जोश में होश नहीं खोते, वरना इस तरह की पिटाई होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात पर पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि अगर इंसान की किस्मत फूटी होती है तो उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप इस दुकान की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो को ले लीजिए, जहाँ ये दुकानदार बड़े मजे से अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था, तभी आंधी तूफान की तरह एक व्यक्ति अपनी स्कूटी दुकान के अंदर ही घुसा देता है, जिसे देखकर ऐसे लगता है इसने एक बोतल चढ़ा रखी है, वरना कोई भला गाड़ी दुकान के अंदर क्यों ले जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बेशक इसमें महिला पुरुष को मार रही है, हम आपको बता दें ये कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला टीचर है, और ये जिसे मार रही है वो उसी स्कूल का मास्टर है। ऐसे में आप ये बात सुन सकते हैं कि महिला बार बार ये कह रही है कि कितना बर्दाश्त करें। ये महिला इसलिए ऐसा कह रही है
क्योंकि ये पुरुष शिक्षक बार बार इस महिला शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। जब ये विरोध करती थी तो इसे नौकरी से निकलवाने की धमकी देता था, जिससे तंग आकर एक दिन इस महिला टीचर ने बगावत करने की सोची। और फिर जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तो इसने चप्पल ही चप्पल इस पुरुष शिक्षक को लगा दिए। अब हमारे हिसाब से इस तरह की बदतमीजी करने वाले लोगों के साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर किसी और महिला के साथ ऐसा कुछ न कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।